पब्लिक टीवी आपकी आवाज। गज की लंबाई और चौड़ाई में 3 और 2 का अनुपात होगा, यानी 30 सेंटीमीटर लंबा होगा, 20 सेंटीमीटर चौड़ा होगा, या 3 फीट बाई 2 फीट का होगा, या 3 मीटर बाई 2 मीटर का होगा। ये उसके नियम। राष्ट्रीय ध्वज को फहराने में केसरिया पट्टी सबसे ऊपर, सफेद पट्टी बीच में और हरी पट्टी सबसे नीचे होगी। राष्ट्रीय ध्वज को सामान्यतः सूर्योदय के पश्चात आरोहण किया जाएगा, मतलब फहराया जाएगा, और सूर्यास्त के पूर्व उतार करके ससमान तय बना के रख लिया जाएगा। ये नियम है। लेकिन इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए भारत सरकार की तरफ से फ्लैग कोड में कुछ संशोधन करके जन सामान्य के लिए ये अलाउ किया गया है कि आप पॉलिएस्टर का भी ऊनी कपड़े का या किसी अन्य कपड़े का ध्वज फहरा सकते हैं और उसे रोज उतारने और रखने की पात्रता नहीं। इसका खास ध्यान रखा जाए कि ध्वज हमारा झुका हुआ ना हो, ध्वज हमारा फटा हुआ ना हो। अगर कभी बंदर फाड़ दे उसको तो सम्मान पूर्वक उसे उतार करके एक लिफाफे में तय करके अपने घर में रख लीजिए और दूसरा ध्वज ले लीजिए। इस अवधि में अगर बीच में कहीं बंदर फाड़ दे या आंधी में फट जाए तो उस ध्वज को लपेट करके रख ले। फटा हुआ ध्वज फहराना बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है, इसलिए ऐसा नहीं किया जाए। माननीय पार्षद को 1,000 ध्वज पॉलिएस्टर के दे रहे हैं। आप प्राप्त कर सकते हैं, जो उपस्थित है वो साथ दे हैं, जो उपस्थित नहीं है वो बाद में आकर के निगम कार्यालय से प्राप्त करते हैं। और चूंकि हमारे माननीय पार्षदगण व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए आपको विशेष तौर से खादी का ध्वज दिया जा रहा है। इस ध्वज को अपने घर के ऊपर पहनाएंगे। जन सामान्य के वितरण के लिए हम पॉलिएस्टर के ध्वज का 1,000 ध्वजों का एक पैकेट आपको उपलब्ध कराएंगे, जिसे आप अपने वार्ड में जिसको चाहें उसको पाएंगे। और लोगों से ये आह्वान करें कि साहब इस अभियान पे इस ध्वज को सभी लोग अपने अपने घर पे लगाएं और साथ में उनको थोड़ी जानकारी भी देंगे तो अच्छा रहेगा। आप भी अपने वार्डों में अपने घर पे 10-10 लोगों की टोलियां बना करके या 20-20 लोगों की टोलियां बना करके जो बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये बातें उनको बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।